हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडिस्टार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली 5 से लेकर के 12 साल तक के बच्चों में बुखार, जुखाम तथा खांसी का इलाज किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन बच्चा सिरप नहीं पी पाता है। ठीक है, एक व्यूअर हमारे कमेंट किए थे कि जो बच्चा है वो सिरप नहीं पी पा रहा है, तो उसको जो है खांसी जुखाम बुखार में क्या ट्रीटमेंट देंगे। काफ़ी लोग होते हैं मतलब सिरप वगैरह नहीं पीना चाहते हैं या फिर नहीं पी पाते हैं, उल्टी वगैरह कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सिंपल यहाँ 8 से 12 साल लिखा जा रहा है, मतलब अगर कोई बच्चा है जो कि 8 से 12 साल के बीच है, ओके, तो उसको क्या करेंगे, एक टैबलेट आता है सिफोडोक्सिम 100 mg, इसको BD देंगे। किसी भी ब्रांड नेम से ले सकते हैं, यहाँ हम जो है दवा का जेनरिक नेम बता रहे हैं, ओके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक टैबलेट आता है 0 डालपी, इसमें असिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल होता है, हाफ हाफ टैबलेट देंगे, BD देंगे। टैबलेट PCM देंगे 500 mg की, उसको हाफ करेंगे, OD देंगे। OD मतलब आप दोपहर में देंगे, दोपहर में एक ही बार पैरासीटामॉल 500 को आधे करके देंगे, बुखार वगैरह नहीं चढ़ेगा, गैस वगैरह ना बने, उसके लिए फेमोटिडिन 20 mg की टैबलेट BD दे देंगे। बाकी एलर्जी वगैरह के लिए मोंटेकोप किट टैबलेट आता है, इसको OD देंगे, पूरी खड़ी टैबलेट किट वाला देंगे, ओके। बाकी इतना काम तो बुखार जुकाम वगैरह को कंट्रोल कर लेगा। सिंपल सी बात है, अगर खांसी आ रही है वो भी सूखी खांसी है, तो उसके लिए एक टैबलेट आता है डेक्सट्रोमेथोरफन फेनाइलेफ्रिन एंड क्लोरफेनोक्सामाइन आता है, क्लोरफेनोक्सामाइन नहीं है, क्लोरफेनोरामाइन है, ठीक है। इसको जो है इस टैबलेट को आधी आधी करके BD देंगे। अब किस ब्रांड नेम से मिलेगा ये आपको देखना है, बस उस टैबलेट के अंदर क्या होना चाहिए, डेक्सट्रोमेथोरफेन होना चाहिए, फेनाइलेफ्रिन होना चाहिए और जो है क्लोरफेनोरामाइन होना चाहिए। हाफ करेंगे, BD देंगे, इतना कर देंगे। अब क्या है, अगर किसी बच्चे को जो है गीली खांसी आ रही है, तो उसके लिए जो है ग्रिलिंगटस BM टैबलेट आता है, ये हम ब्रांड नेम ही लिखे हैं। बेसिकली इसमें जो है टर्बोटालिन, ब्रोमेक्सिन वगैरह पाया जाता है गीली खांसी के लिए, इसको हाफ हाफ करके BD देंगे, और जो भी पूरा ट्रीटमेंट है ये 7 डेज तक चलाएंगे, आराम मिल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है 2-4 दिन आगे भी या फिर 2-1 दिन पीछे भी किया जा सकता है, ओके। तो अभी 5 से 8 साल क्लियर हुआ होगा। यहाँ देखिए लिखा गया है 8 से 12 साल, मतलब अगर कोई बच्चा है जो कि 8 से 12 साल के बीच है, तो सिंपल उसको भी एक टैबलेट देंगे सिफोडोक्सिम 100 mg का BD। टैबलेट 0 डालपी मतलब असिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल की टैबलेट जो भी होगी, उसको हाफ हाफ करके BD देना है। सिंपल एक टैबलेट आता है पैरासीटामॉल 500, इसको हाफ हाफ करके OD देना है, आराम मिलता रहेगा, ओके। फेमोटिडिन 20 mg की मतलब गैस वगैरह ना बने, इसको BD दे देंगे, पूरी खड़ी खड़ी टैबलेट देंगे। मोंटेकोप किट टैबलेट, इसको भी जो है खड़ा देंगे, OD देना है, OD मतलब इसको आप रात में चला सकते हैं, ठीक है। बाकी अब सेम काम करना है, क्या है, सूखी खांसी है तो डेक्सट्रोमेथोरफेन फेनाइलेफ्रिन एंड क्लोरफेनोरामाइन की जो टैबलेट होती है उसको हाफ करके BD देंगे या फिर TDS देंगे, क्योंकि 8 से 12 साल के बीच बच्चा है, इसको आधी आधी TDS देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना काम आप कर सकते हैं। और अगर गीली खांसी है तो उसके लिए जो है एक टैबलेट आता है ग्रिलिंगटस BM, इसमें ब्रोमेक्सिन एंड टर्बुटालिन वगैरह पाया जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन की कहीं भी कोई भी टैबलेट मिले आप दे सकते हैं, बट उसको हाफ करके BD या फिर TDS देना 7 डेज तक। ये जो पूरा ट्रीटमेंट है 7 डेज तक चलेगा। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।